इवन निफ्टी आईटी एक बार जरा लेकर आइए, निफ्टी निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक, तीन मेजर इंडिसेस एक बार देखते हैं। इंट्राडे हाई से स्लिप हुए वापस, ये निफ्टी आईटी इस समय आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 242 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन एक समय पे 600 पॉइंट ऊपर थे, ध्यान रखिएगा। इवन निफ्टी में भी हल्का सा स्लिप आया उसकी वजह से, और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार इंट्राडे में। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, लेकिन निफ्टी आईटी स्लिप हुआ हायर लेवल से। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं, और एक बार जरा पूरा का पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड। आज मेरा ट्रेड है इस वक्त वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का। रीजन ये है कि ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करे, मार्केट में थोड़ा डिप मिला लेकिन यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 2610 पर। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से 2650 पर जाना चाहिए, स्टॉप होगा 2585। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज बाय। बाय साइड का ट्रेड बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर गाबा साहब की पिक आती हुई। मानस गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड है। इंडिया मार्ट पे आप बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेकिन आज हमें फ्रेश ब्रेकडाउन 2650 के नीचे देखने को मिला है। तो इंडिया मार्ट के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 2626 के प्राइस चल रहे हैं, 2661 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और एक सेल कॉल लेना है जिसके टारगेट 2560 के रहेंगे। 2560 के टारगेट के लिए इंडिया मार्ट के फ्यूचर में बिकवाली की आ सकती है। इसके ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 2600 वाला पुट ऑप्शन जो 79 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60 रुपए के नीचे रहेंगे और 120 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। डिस्क्लेमर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी कुछ कुछ देर पहले दिया है। ओके, 2600 की पुट एट द रेट 79.75 पे ट्रेड करते हुए। अमित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनु जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा टॉपिक रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में रिसेंटली हमने एक शार्प रनअप देखा था, और उसके बाद काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन पैटर्न देखा है। रिसेंटली यहाँ पे वॉलिटिलिटी काफी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और बोलिंजर बैंड काफी स्क्वीज्ड है। द स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, तो इसे लेना चाहिए। 343 प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 337 का, और टारगेट्स मेरे रहेंगे 355 रुपए के। ओके, तो ये समय की ट्रेड। अच्छा एक बार जरा डीएलएफ लेकर आइए स्क्रीन पर। आज अच्छा खासा मूव इसमें, कल नहीं चला वैसे ये डीएलएफ न्यूज़ के बाद, लेकिन आज मोमेंटम, और आज ऑलमोस्ट 800 तक गया ही, उसके बाद अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन स्ट्रेंथ काफ़ी है इसमें। मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश गुड आफ्टरनून। मयूरेश आपकी पिक क्या होगी इस समय की? क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू द सेक्टर शायद इंटरिम बजट में भी आए, और जिस हिसाब से गतिविधियां चल रही है और लॉन्गर टर्म प्ले ऑन लॉजिस्टिक्स एज एन इंफ्रा प्ले, आई थिंक दिस सेक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हैविंग सेड दैट, इसमें से जो एक स्टॉक है जो हमारे वॉच लिस्ट पे आया है मार्केट्स विद इंडिया के क्यूरेटेड लिस्ट में, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। अभी दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये स्टॉक को लेके। एक जो डिपेंडेंसी या सेलियंसी है ऑन द डेडिकेटेड वेस्टर्न कॉरिडोर, इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा ये स्टॉक के आगे के रिवेटिंग या अर्निंग्स मोमेंटम को। जहां तक वेस्टर्न कॉरिडोर का सवाल रहा है, ऑलमोस्ट कमीशन हुआ है, 2 more lines आर एक्सपेक्टेड टू गेट कमीशन विद इन दैट एंटायर चेन मार्च 2024 तक का, और दिसंबर 24 में आई थिंक पूरी की पूरी कमीशनिंग होगी विद द लास्ट माइल ऑफ जेएनपीटी टू वैतरणा। जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है 90% हैज बीन कवर्ड फॉर द वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, और इसलिए आई थिंक एज द कमीशनिंग बिकम्स इवन मोर प्रोमिनेंट अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर देखा जाएगा, क्योंकि कंटेनर वॉल्यूम्स अच्छे खासे बढ़ेंगे। गेटवे डिस्ट्री पार्क इज नोन फॉर इट्स रेलवे कनेक्टिविटी स्पेसिफिकली अक्रॉस द वेस्टर्न कोस्ट, और इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो आईसीडीज बनाने हैं, 5 ICDs आर अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि मैक्सिमम कंटेनर मूवमेंट वेस्ट कोस्ट से होती है, जेएनपीटी हुआ, अडानी पोर्ट्स हुआ, सो ऑन सो फोर्थ, एंड ईस्टर्न कॉरिडोर के यहाँ जो एग्जिम ट्रेड होता है वहां पे इन्होंने सीएफएस बांधे हैं। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है नहीं, 0.17 times पे है। आईसीडी कैपेसिटी लगभग 7 lakh TEUs की है, सीएफएस कैपेसिटी 5.5 lakh TEUs की है, वेयर हाउसिंग इज ऑलमोस्ट 1,62,000 square meters, 31 train sets है इनके पास, विच मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोबेबली देयर टू केटर टू फ्यूचर नीड्स एज वेल। 3% की डिविडेंड डील देते हैं, 26% की मार्जिन है, और इनकी जो सब्सिडरी अनुज जी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये भी शायद फोकस में रहे, क्योंकि बजट में जो प्रावधान आ सकते हैं कोल्ड स्टोरेज को लेके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नेशनल गतिशक्ति योजना। तो गेटवे को जरूर नजर में रखना चाहिए। दिस इज वन स्टॉक जहां पे ईपीएस आरएस रेटिंग्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं एज पर।
गेटवे हिस्ट्री पार्क्स, ये व्यू आता हुआ इस समय मयूरेश की तरफ से। अच्छा, आपको हमारा पैनल एक बार दिखाएंगे और आपको एक चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगेगा। जी हाँ, संकल्प चतुर्वेदी, कुछ हमारे दर्शक वाकिफ हैं इनसे, और जो वाकिफ नहीं है मैं आपको फिर रीइंट्रोड्यूस कर रही हूँ। संकल्प, एंड वेलकम बैक टू सीएनबीसी आवाज। संकल्प बेसिकली एक सिस्टम ट्रेडर है, ट्रेनर है, मार्केट एक्सपर्ट है, खिलाड़ी नंबर वन में पहले भाग लेते थे, फिर इसी मंच पर दरअसल कमाई के अड्डे पर भी आते थे, और अब इनका सभी रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने बढ़िया ट्रेड्स लेकर। तो वेलकम बैक संकल्प, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे। थैंक यू सो मच हर्षिता जी। मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को देख रहा हूँ, कल एक अच्छा लो बना के एक रिसेंट स्विंग हाई को अच्छे आरएसआई और एडीएक्स से ब्रीच कर रहा है, तो 2240 की जो इसकी कॉल है उसको 58-59 के स्टॉप लॉस से दो टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 82 एंड 98।